हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंट्रल डोगमा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि डीएनए से पहले आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अगर डीएनए बनना है तो उसका भी अपना एक रेप्लिकेशन होता है, जो प्रोसेस उसका होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसके थ्रू वो अपनी कॉपीज बनाता है। और उसी प्रोसेस के बाद जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में आता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना है। और इस इतनी सारी प्रोसेस के बाद जब डीएनए से आरएनए बन गया तो क्या होता है कि आरएनए उस टाइम जो है फुल्ली मैच्योर नहीं है और प्रोटीन बनाने के लिए उतना प्रॉपरली फंक्शनेबल नहीं है, तो उसमें कुछ स्प्लाइसिंग प्रोसेस या पॉलीएडेनाइलेशन कैपिंग्स वगैरह प्रोसेस होती हैं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं। तो इन प्रोसेस के बाद हमारा आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए तैयार होता है, तो वो जो है न्यूक्लियस से निकलकर जब साइटोप्लाज्म में आता है तो वहां पर क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, जो एमआरएनए होता है उसके थ्रू प्रोटीन के लिए ट्रांसलेट किया जाता है। और क्या होता है कि डीएनए में कुछ सेगमेंट्स पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीन पूरे पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। उन्हीं जीन से हमारी पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है सेल में। तो क्या देख रहे थे कि हम साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है उसके थ्रू क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से हमने सेंट्रल डॉग्मा में ये तीन प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेसेस सेंट्रल डॉग्मा में इन्वॉल्व रहती हैं।